सभी को मेरा कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं नया एक रेसिपी लेके आया हूँ, पिज्ज़ा कैसे बनाना है। पिज्ज़ा वो जो बनाना है गार्डिनारा पिज्ज़ा। गार्डिनारा पिज्ज़ा बनाने से पहले हमको एक डो लेना है, डो को अच्छे से बेलना है। बेलने के बाद मैं आपको बेलने के बाद फिर आप लोग को बताऊँगा इसमें क्या क्या जाते हैं। आपको जितना साइज का ये करना है उतना हिसाब से बनाना। हमारा यहाँ बनता है 12 इंच का पिज्ज़ा बनता है। 12 इंच का पिज्ज़ा हम बना रहे हैं। 12 इंच होने के बाद मैं आप लोग को टॉपिंग बताऊंगा इसका ऊपर क्या क्या जाते हैं। अरे ये बनाने जा रहा हूँ हैंड टोस्ट पिज्ज़ा। हैंड टोस्ट पिज्ज़ा कैसा बनता है वो भी देख लीजिए। हैंड टोस्ट पिज्ज़ा को पहले मैं हाथ में ऐसे कर लिया, चारों तरफ से एक करके राउंड बना लिया। राउंड बनाने के बाद फिर ऊपर से पिलाती लगाना है, जो टमाटर सॉस होता है वो पिलाती लगा लिया। उसके बाद मोजरेला चीज़ डाल दिया। मोजरेला चीज़ आपको जितना खाना है उसी हिसाब से डालना है। ये हल्का जाते हैं मोजरेला, मैंने मोजरेला डाल दिया। इसके बाद डालूँगा ऑलिव्स डाल दिया। अभी मशरूम डालना है। मशरूम डालने के बाद बल पेपर डालता हूँ। बल पेपर डाला के अच्छा से फैला देना है। उसका बाद जुगनी डालना है, फिर आर्टिचॉक डालना है, फिर चेरी टमाटो 1/4 करके डालना है, फिर ऊपर से ब्रोकली डालना है। फिर हमारा पिज्ज़ा और तैयार हो गया। अभी ओवन में इसको पकाता हूँ अच्छा से। पकाने के बाद फिर आप लोग को दिखाता हूँ। ओवन में पक के पिज्ज़ा तैयार हो चुका है, हमारा पिज्ज़ा रेडी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। वो तो लाल वाला बटन है उस पर खटखटाओ या फिर बोतलें फोड़ो, मुझे नहीं पता।